दोस्तों, आपने कभी ना कभी कुकीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, या आप कभी कुछ नेट पे सर्फ करते हैं, वेब ब्राउज़र चलाते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आपको एक मैसेज भी मिलता है कि एनेबल कुकीज़ फॉर दिस साइट। तो ऐसे में आपको कुकीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते जाइए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कुकीज़ क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं टेक थेरेपी। दोस्तों, कुकीज़ जो होती हैं वो एक तरह की फाइल्स होती हैं जो आपके वेब ब्राउज़र के कैश मेमोरी में स्टोर होती है। मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ ख़रीदना है, आपने फ़्लिपकार्ट खोला, तो ऐसे में जो अगर फ़्लिपकार्ट कुकीज़ एनेबल्ड साइट है तो वो आपके कैश मेमोरी में एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर देगा, एक इम्प्लांट कर देगा, जिसमें वो आपसे रिलेटेड सारी डाटा को उसमें डालेगा। जैसे कि आपने उस पर क्या सर्च किया, आपने किस चीज़ को कितनी देर तक सर्च किया, आपने किस चीज़ को लाइक किया वहाँ पे, कौन सी चीज़ आपको ख़रीदनी है आगे चल के, वो सारा डाटा वो उसमें स्टोर कर देगा। और जब आप उस साइट पे दोबारा जाएंगे, दोबारा उस साइट को ओपन करेंगे, तो वो उस कैश मेमोरी में स्टोर्ड जो कुकीज़ हैं उसकी उसको एसेस करके, उसके डाटा को एसेस करके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही आपको दिखाएगा, जिससे आपको चीज़ें खरीदने में आसानी हो, आपको बेनिफिट हो और आपको बहुत सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, आपको रेस्ट्रिक्टेड आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही चीज़ें देखनी पड़े। ऐसे में कुकीज़ जो है उन कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसे में हम जल्दी डिसीजन लेते हैं और अपने टाइम को सेव करते हैं। तो ये तो हो गई कुकीज़ के एडवांटेज की बात। अगर हम कुकीज़ के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि थर्ड पार्टी कुकीज़ के नाम से हम उसको कहते हैं। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट सर्व कर रहे हैं, उस पे कुछ एड्स आती हैं, अगर आप उन एड्स पे क्लिक कर देते हैं तो कई बार मल्टीपल विंडोज़ खुल जाती हैं एक साथ ही। तो ऐसे में अगर वो विंडो जो खुली, अगर उसने आपके कैशे के मेमोरी में कुकीज़ डाल दी, तो वो आपके सारे डाटा को एक्सेस कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपके सेव्ड उसमें अगर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड्स का डाटा भी सेव्ड है तो वो भी वो रिट्रीव कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ जो होती हैं वो बहुत ही हार्मफुल हो जाती हैं इस केस में, और आपके प्राइवेसी को खतरा होता है, आपका जो प्राइवेट डाटा है जो आपने एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे जा करके डाला था, वो कोई नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट उसको एसेस कर रही है। तो ऐसे में जो कुकीज़ हैं उनका डिसएडवांटेज होता है। तो इससे बचने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, जब आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो उसकी सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको तीन तरह की सेटिंग्स मिलेंगी। एक होंगी कि अलाउ कुकीज़, एक डिनाई कुकीज़ और एक होगी कि डिनाई थर्ड पार्टी कुकीज़। तो उस पर आप डिनाई थर्ड पार्टी कुकीज़ पे क्लिक करके थर्ड पार्टीज़ को कुकीज़ ना सेंड करने से रोक सकते हैं, उनको फाइल्स इम्प्लांट ना करने से सेंड रोक सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा। और साथ ही जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं वहाँ आप कुकीज़ को अलाउ कर सकते हैं, ताकि जो है आपको आगे से जो चीज़ें मिले वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड मिले। तो ऐसे में कुकीज़ बेनिफिशियल भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो आप इनको अपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको कुकीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।